तेज रफ्तार कार से कुचलकर दो लोगों की जान लेने वाले पुणे पोष केस में नाबालिग पर भी बालिग की तरह केस चलेगा या नहीं, इसी सिलसिले में आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई करेगा। पुनर्विचार याचिका पर यह सुनवाई हो सकती है। इस मामले में गिरफ्तार पिता की भी आज कोर्ट में पेशी होनी है, जिसे औरंगाबाद से जो नाबालिग है उनके पिता को जो है औरंगाबाद से पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पुणे में नशे की हालत में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दो लोगों की जान लेने के आरोप में 17 साल के नाबालिग लड़के को अदालत ने 15 घंटे में ही रविवार को बेल दे दी थी। इस मामले में नाबालिग के पिता के अलावा बार चलाने वाले दो मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पुनर्विचार याचिका पर किस तरह से सुनवाई हो सकती है और ये पूरा केस को के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस दामा पुणे से। आई सुनते हैं। ये पूरा जो मामला है वो आज बेहद मुश्किल दौर में है। आज इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में आज पुणे पुलिस ने जो शनिवार को जब ये पूरा मामला हुआ था, रविवार के दिन एक अपील फाइल की थी। इस अपील में ये लिखा गया था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ये अपील फाइल की थी और उसमें ये लिखा गया था कि ये जो 17 साल और 8 महीने का जो नाबालिग लड़का है उसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए और उस पर मुकदमा चलाने के लिए परमिशन दी जाए बालिग की तरह। मगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रविवार के दिन इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया था और उसके बाद इस लड़के को बेल मिल गई थी 15 घंटे के भीतर भीतर। पुणे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिर से एक एप्लीकेशन फाइल की, मगर जिला अदालत में, थोड़ी सी ऊपरी अदालत में फाइल की। ऊपरी अदालत में फाइल करने के बाद ये बात सामने आई, जब जिला अधिकारी, जिला जो कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कीजिए, रिव्यू एप्लीकेशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही सुनेगा। तो फिर पुणे पुलिस ने फिर से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये एप्लीकेशन फाइल की। आज इस मामले में सुनवाई होनी है और ऑर्डर भी सामने आ सकता है कि क्या इस 17 साल और 8 महीने के बच्चे के साथ, जिसने दो लोगों की जान ले ली तेज रफ्तार गाड़ी और नशे के चक्कर में, क्या फिर से रिव्यू करके कोई एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिसमें जो लोग मरे हैं उनके साथ थोड़ा सा जस्टिस होता दिखे।